लास्ट टाइम एवेंजर के घर पे से मैंने चुराई थी फ्लैश की एक बहुत तगड़ी फ्लैश स्पेशल बाइक जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। अब देखो भाई, लास्ट टाइम यार इतना आसान तो था नहीं चुराना फ्लैश की बाइक, बट मुझे ये पता चला था कि जो सारे के सारे एवेंजर्स हैं वो एक दो दिन के लिए बाहर गए हैं। जैसे मुझे ये पता चला, सिंपली मैं गया, मैंने ढूंढा कि फ्लैश कहाँ है। फ्लैश मुझे दिख गया बाथरूम करता हुआ, तो मुझे ये भी पता चल गया कि भाई उसका पेट ख़राब है। एवेंजर्स की एब्सेंस में उसने बहुत ज़्यादा ठूसा होगा और उसका पेट ख़राब हो गया। बस इसी बात का फ़ायदा उठा के मैं ढूंढने लग गया उसकी बाइक पूरे घर में, और मुझे जैसे ही उसकी बाइक मिली एक रूम के अंदर, मैं उसकी बाइक पर बैठा, लेकर भाग गया। पुलिस वाले पीछे पड़े पर जैसे तैसे भाग गया और मैंने उस बाइक को एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया है। अब आगे बात आती है किसी दूसरे एवेंजर की बाइक चुराने की। तो देखो गाइस, मैंने अभी तक भाई आयरन मैन की भी बाइक चुराई है, फ्लैश की भी बाइक चुराई है, लेकिन कभी भी हल्क की बाइक नहीं चुराई। मैं मान दो मैंने हल्क की एक बहुत तगड़ी गाड़ी चुराई थी, लेकिन हल्क की बाइक नहीं चुराई। और मैं देखना चाहता हूँ कि हल्क की बाइक के अंदर क्या स्पेशलिटी होने वाली है, क्योंकि देखो आयरन मैन क्या करता है, ऐसे चेस्ट रिपल्सर से पावर से फेंकता है, लेजर से फेंकता है, तो उसकी बाइक के अंदर भी सेम एग्जैक्टली ऐसी पावर थी। उसकी बाइक के अंदर से गोलियाँ चल रही थी बहुत तगड़ी। अगर तुम लोगों ने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो गाइस हमारे इसी वाले चैनल पर। तो भाई ऐसा कुछ सीन था आयरन मैन की बाइक का। फिर लास्ट टाइम मैंने फ्लैश की बाइक चुराई थी, उस वाली बाइक के साथ सीन ये था कि जैसे फ्लैश बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ता है, वैसे ही उसकी बाइक भी बहुत ज़्यादा फास्ट थी। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि हल्क की बाइक के अंदर क्या स्पेशल होगा। जैसे हल्क बहुत ज़्यादा तेज़ उछलता है, तो क्या हल्क की बाइक भी तेज़ उछलती होगी? देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चलते हैं, ज़रा देखते हैं आज एवेंजर्स के घर पर कोई है कि नहीं है। जहाँ तक मुझे अपने सोर्सेस से ये पता चला है कि जो हल्क है गाइस वो एक आइलैंड पर चला गया, यहीं पास में एक आइलैंड है वहाँ पर। एवेंजर्स के घर पे कोई भी एवेंजर नहीं है, सबकी गाड़ियाँ बाइकें चोरी हो रही हैं, इसलिए वो लोग लॉस सैंटोस में अपने इस घर पे आना अवॉइड कर रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर में उनकी बाइक्स और गाड़ियाँ ले कौन जा रहा है। इसलिए देखो भाई, पूरा एवेंजर्स का घर खाली पड़ा हुआ है, खाली भाई खाली। तुम लोगों को अगर यकीन नहीं होता मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। चलो भाई, ओके ओके, इधर आ गए। और चलो भाई मैं तुम लोगों को खुद दिखाता हूँ। ओए कोई है क्या? ओए भाई फुल एकदम चिल्लाऊँ, गोलियाँ वोलियाँ चलाऊँ इधर मस्त एकदम? ये लो, है ही नहीं कोई। जब मैं कह रहा हूँ बिंदास बिंदास रहो भाई, कोई भी नहीं है एवेंजर्स के घर पे। ये देखो पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, वो लोग डर के मारे छोड़ के ही भाग गए भाई अपना घर। तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा, मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। ओए कोई सा है क्या? ओए एवेंजर बेटा खोपड़ी फोड़ दूंगा, एक बार सामने तो आओ मेरे। कोई भी है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई। और मुझे अपने सोर्सेस से ये भी पता चला है कि जो हल्क है, जो भाई हल्क है, वो है सिर्फ लॉस सैंटोस में, और वो एक्चुअली में गए एक आइलैंड पर जाकर छुप गया अपनी बाइक लेके। उसको पता चल गया कि नेक्स्ट वो शिकार बनने वाला है, उसकी बाइक डेफिनेटली चोरी होने वाली है, इसलिए वो अपनी बाइक को बचाने के लिए एक आइलैंड पर जाकर छुप गया है। बट तुम लोगों को क्या लगता है, वो छुप जाएगा और मैं उसे छुपने दूंगा? तुम लोगों को ये लगता है कि वो भाग जाएगा और मैं उसे भागने दूंगा? बिल्कुल नहीं भाई, कुछ भी हो जाए उसकी बाइक तो मैं छीन कर ही रहूँगा। उसकी बाइक के पीछे हाथ धो के अगर मैं पड़ चुका हूँ तो उसकी बाइक कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? तो चलते हैं आज चुराने के लिए हल्क की स्पेशल बाइक उस आइलैंड पर। लेकिन मैं दिन में नहीं जाने वाला भाई, लफड़े हो सकते हैं, हल्क बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पटक पटक के मारेगा मेरे को, पैर पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे पटक पटक के पीटेगा, इसलिए दिन में तो नहीं, रात होने का वेट करते हैं। तो जैसी होगी रात चल पड़ेंगे हम लोग हल्क के पास और लेकर आएंगे उसकी स्पेशल वाली बाइक। बस रात का इंतज़ार करना है, तब तक मैं एक काम करता हूँ भाई, तब तक मैं बोट का इंतज़ाम कर लूँ, क्योंकि वो हल्क जो है आइलैंड पर है, तो उसके तक पहुँचने के लिए एक बोट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब बोट कहाँ मिलेगी मुझे? मिल जाएगी, रुको ढूंढते हैं इधर कहीं। वो आइलैंड वैसे मेरे को पता है भाई कौन सा आइलैंड है, वो आगे की तरफ है एक आइलैंड, लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी बोट चाहिए, बोट। यहाँ पर कुछ बंदे हैं तो, लेकिन बोट नहीं है भाई। एक्चुअली में ये बीच वाला इलाका नहीं है ना भाई, बीच वाले इलाके की तरफ बोट वगैरह मिलती हैं, इधर नहीं है ये बीच वाला इलाका, तो इधर बोट मिलना इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं, रात तक का टाइम है, रात तक बोट ढूंढ लेते हैं, फिर चलेंगे उस आइलैंड पर हल्क की बाइक चुराने के लिए। मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस बाइक के अंदर स्पेशलिटी क्या होने वाली है, क्योंकि इस फ्लैश की बहुत तेज़ भागती थी, आयरन मैन के अंदर बहुत तगड़ी गन लगी हुई थी, इसके अंदर क्या होगा? लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी इधर बोट आई गेस मिल सकती है मुझे, बोट के चांसेस हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर टेंट लगा रखा है, लेकिन बोट है भाई, बोट मिल गई। रात का इंतज़ार करते हैं, बोट नहीं जेट्स की मिली है, चलो सही है। और रात हो चुकी है और मुझे भाई बोट तो मिली है, सामने एक बड़ी सी थोड़ी शिप भी है, लेकिन मुझे शिप नहीं चाहिए, मेरा बोट से ही काम हो जाएगा।
और मैं तुम लोगों को वो वाला आइलैंड दिखाता हूँ जहाँ हल्क छुप गया डर के मारे अपनी बाइक को बचाने के लिए। ठीक है, उस आइलैंड की तरफ चलते हैं फटाफट। वो देखो सामने तुम लोगों को दिख रहा है भाई, फिलहाल रात हो रखी है, इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा। बोट के अंदर लाइट है क्या मेरी? ना भाई, बोट के अंदर लाइट ना है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की तरफ। ओके ओके ओके, अब तुम लोगों को भाई वो आइलैंड डेफिनेटली दिख रहा होगा भाई, ये वाला आइलैंड देखो। तो उसी वाले आइलैंड पर बोट लेकर, मतलब बाइक लेकर अपनी चला गया है हल। मुझे फिलहाल धीरे कर लेना है अपनी बोट को और स्लोली स्लोली बिना ज़्यादा आवाज़ किए आइलैंड के पीछे से जाना है और हल की बाइक चुपके से लेकर आनी है। चुपके से, उसे अगर पता चला ना भाई छोड़ेगा नहीं वो मेरे को जिंदा। इसकी चुपके से जाना है और बाइक को लेकर आना है, बाइक लेकर आना है, चुपके से जाना है। कम ऑन, ओ क्या ये, वेट व्हाट, शार्क थी वो शार्क थी भाई, शार्क नहीं बहुत खतरनाक है भाई शार्क। ओके ओके ओके, बोट कैसे छोड़ूं, कैसे बाइक लेकर भागूंगा कैसे मैं, ये भी तो सीन है। पता नहीं कैसे भागूंगा लेकिन भाग जाऊंगा मैं। फिलहाल उतरूं कहाँ पे, यहीं पर उतरते हैं गाइज। चलो पानी के अंदर प्लीज कोई शार्क वार्क ना हो इधर आजू बाजू। फिलहाल शार्क नज़र तो नहीं आ रही है, सामने की तरफ शार्क हो सकती है, पीछे की तरफ भी हो सकती है। जल्दी जल्दी से इस आइलैंड पर चढ़ते हैं भाई, इसी वाले आइलैंड पर। हल्के कहाँ से चढ़ूँ, मैं तो चढ़ ही नहीं पा रहा। इधर से उधर थोड़ा रास्ता है। चलो भाई जैसे तैसे करके आ तो गया इस आइलैंड पर। ओके पक्का यही आइलैंड है? हाँ यही तो आइलैंड है, ये तो रहा घर। इस वाले घर के अंदर ही शायद से उसने अपनी बाइक छुपा के रखी है। हल्क भैया कहाँ है तू? ओ वो रहा, क्या कर क्या रहा है? योगा कर रहा है? योगा सीरियसली में? इसको योगा करने की सूझ रही है भाई। भाई क्या ही बंदा है ये हल्क, इतनी रात को योगा कर रहा है। और बेवकूफ़ ने बाइक कहाँ रखी है? लेकिन बाइक ढूंढते हैं यार, अपने लिए तो मेन चीज़ बाइक ही है, बाकी तू योगा कर, एक्सरसाइज कर या चिल करके एकदम सो जा। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस वाले घर के अंदर ही बाइक होगी। यस इसके अंदर ही बाइक है, वो फिलहाल योगा करने में बिजी है। मैं बाइक लेके निकल लेता हूँ जल्दी जल्दी। भाई लाइट और कैसी लाइट जल रही है। चलो मिल गई गाइस, बाइक मिल गई, बहुत ही बड़ी। ओ नहीं, हेडलाइट बंद हो जा प्लीज़ जल्दी। ओके हेडलाइट बंद, हेलमेट पहन लेते हैं। चुपके से भागो। अरे यार निकल जा बाइक मेरी प्लीज़। अरे ये बाइक क्यों अटक रही है, क्या है ये? ओके नाइस, बहुत ही बढ़िया भागो भागो भागो। लेकिन मैं भागूँ कैसे? अरे इस हल्की बाइक लेके मैं भागूँ कैसे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है इस आइलैंड से भागूँ कैसे। कुछ स्पेशलिटी नहीं है क्या इसके अंदर? एक बटन है, रुक जाओ इसे प्रेस करते हैं। पता नहीं भाई, ओए ओ रुको, ओए ओए देख रहे हो तुम लोग एक चीज़, ये देखो इसकी बाइक की ये स्पेशलिटी है, हम लोग इसे हवा में जंप करवा सकते हैं। ओके, मुझे पता चल गया मैं यहाँ से कैसे एस्केप करूँगा। मैं फुल स्पीड में जाऊँगा उधर और जंप कर दूंगा बाइक से, आई गेस हम लोग उस आइलैंड की तरफ चले जाएंगे। चलो भाई लेट्स डू दिस कम ऑन। ओ यस नाइस, क्या जंप लगाई है भाई मैंने। देखो मैं बूस्टर कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, शायद से बूस्टर है भी नहीं इसकी बाइक के अंदर। और जो भी है भाई मैं आ चुका हूँ सामने की तरफ और उस हल को शायद पता भी नहीं चला, लेकिन पता नहीं उस हल को पता चला कि नहीं, लेकिन पुलिस वालों को ज़रूर पता चल चुका है यार। ओके, मैं तो गया। भागो फटाफट से, लेकिन भागो क्या, इस बाइक के अंदर तो जंप वाली पावर है। मैं वही तो कह रहा है यार, आयरन मैन की बाइक के अंदर पावर थी, फ्लैश की बाइक के अंदर पावर थी, इसकी बाइक के अंदर भी डेफिनेटली पावर होगी। ये देखो ये है जंप वाली पावर, और बहुत अच्छी पावर है ये सीरियसली में। मैं इससे ऐसे ऐसे उड़ सकता हूँ भाई, थोड़ा लो स्पीड में, सीरियसली में उड़ रहा हूँ मैं तो। अरे ये तो बहुत ही अच्छी पावर है। पुलिस वाले फिलहाल पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन जहाँ भी हो मैं इसे निकल लेता हूँ लेके किसी सेफ जगह पर। चलो भाई यार ये बढ़िया है, इससे मैं जंप तो कर ही सकता हूँ, ऐसे थोड़ी देर तक उड़ भी सकता हूँ हवा में। नाइस, आ गए मिलिट्री बेस के अंदर आ गए। चलो मिलिट्री बेस को पूरा उड़ के ही पार कर देते हैं। वाह भाई ये पावर बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, मज़ा आ गया मुझे तो। बल्कि फ्लैश वगैरह की भी बाइक से सबसे अच्छी पावर इसी की लग रही है भाई सीरियसली में। मैं तो सोच रहा हूँ मैं ऊपर ही चलता चला जाता हूँ इस बाइक को लेके, देखते हैं पुलिस वाले कहाँ तक आएंगे। हेलीकॉप्टर होता है पुलिस वालों के पास, लेकिन कितनी ऊपर तक आएंगे? ये बाइक तो बहुत ऊपर तक जा सकती है, उनका हेलीकॉप्टर इतनी ऊपर तक तो डेफिनेटली नहीं आने वाला भाई। लेट्स सी पुलिस वाले क्या मेरे को हवा में पकड़ पाते हैं या फिर नहीं।
ओके मैं तो भाई यहाँ पर पूरी के पूरी बैक जंप लगा रहा हूँ। ओके एक और फ्लिप। अरे बस 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 बस, हवा में ही रहना है, हवा में ही चलो चलो चलो, हवा में ही रहना है। पुलिस वाले नज़र नहीं आ रहे हैं भाई मुझे, मैं आई गेस उनकी रेंज में नहीं हूँ, शायद अब एस्केप कर जाऊँगा। वो रे वो देखो नीचे हेलीकॉप्टर है, मैं उनसे ऊपर हूँ भाई, वो लोग मेरे को नीचे तलाश कर रहे हैं, मैं ऊपर हूँ। ढूंढते रह जाओगे बेटा तुम लोग, मैं ऊपर चलता चला जा रहा हूँ। अरे बस भाई इतना भी ऊपर नहीं जाना था, बादलों से ऊपर आ गया मैं। और पुलिस वाले नीचे ही हैं, उनका हेलीकॉप्टर नहीं आने का भाई यहाँ ऊपर तक। पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूँ गाइज, इस तरीके से मैं एस्केप कर भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है मैं इस तरीके से एस्केप डेफिनेटली कर जाऊँगा। काफ़ी देर तक हवा में हूँ मैं एक काम करता हूँ, हवा में ही रहता हूँ, मैं नीचे ही नहीं आ रहा। पुलिस वाले भाई, अबे वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर तक आ गया है, वेट व्हाट, क्या ड्रामा है ये लिटरली में, और पंखुड़ियों से मारने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई तेरी रुक जा, मैं तेरे को गन से मारता हूँ। यार इस हल्की बाइक के अंदर पावर तो बढ़िया है, लेकिन यार गन वन भी होनी चाहिए थी, ताकि मैं अटैक कर सकता इन पुलिस वालों पे। आ जा तेरे पायलट को मारूं मैं, आजा तू आजा आजा बेटे मेरे लेवल पे आ। ये पायलट लग नहीं रही है गोली, इसके पायलट को एक गोली लगी बस गया ये नीचे। ओके रुक जा बेटा रुक जा, कहाँ गया, ये रहा रुक जा बेटा, तेरे पायलट को ना मैंने गोली मारी ना, मेरा नाम भी फ्रैंकलिन है। ओके ले रुक जा। ओके गाइस, अरे यार वो एक जगह टिक भी तो नहीं रहा, अरे एक जगह टिक जा भाई टिक जा, मैंने उसका हेलीकॉप्टर पूरा डैमेज कर दिया है भाई। पायलट को गोली नहीं मार पा रहा क्योंकि एक जगह टिक ही नहीं रहा, तुम लोग देख रहे हो ऊपर नीचे हुए जा रहा है वो। ये आई गेस तरीका वेस्ट है भाई, इससे कुछ नहीं होगा। ये देखो एक और हेलीकॉप्टर आ गया, एक और हेलीकॉप्टर आ चुका है भाई, ये वाला तरीका बेकार है भाई, तीन हेलीकॉप्टर आ गए यहाँ पर। नहीं भाई ये हवा में रुकने वाला तरीका बेकार है। लो एक को मैंने डाउन तो किया, एटलीस्ट उसके पायलट ही डाउन हुआ है शायद से। अब आ जाओ ना, बोलो फालतू कहाँ गए। मैं नीचे जा रहा हूँ क्या? हाँ मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ नीचे फटाफट। ये वाला तरीका बेकार है यार, ये तरीका तो बहुत ही बेकार है, ये पुलिस वाले तो ऊपर ही टिक जा रहे हैं, मैं कब तक आके हवा में रहूँगा। नीचे चलते हैं फटाफट। ओके प्लीज़ होवर कर, अरे गिर गया। चलो भाई चलो फटाफट। ओके किसी सीक्रेट जगह पर जाकर जब तक मैं छुपता नहीं हूँ तब तक ये पुलिस वाले मेरे को छोड़ने नहीं वाले हैं यार। चलो पहुँचते हैं जितनी सेफ जगह हो सके उतनी सेफ जगह की तरफ। ओके ये रेड रेड कैसे हो रखा भाई गाड़ी के पीछे, मतलब आगे वाले पहिए का पीछे वाला पार्ट, पता नहीं क्या सीन है। नीचे एक झोपड़ी सी है, यहीं छुप जाऊँ क्या भाई? ये सेफ लग रही है झोपड़ी सीरियसली में। ओके हाँ काफ़ी ज़्यादा सेफ है, यहीं पर रहते। ओए एक सेकंड, पुलिस वालों ने पीछा तो छोड़ ही दिया। अरे झोपड़ी बहुत ही बढ़िया थी यार, मज़ा आ गया। इस झोपड़ी के ऊपर एक बॉल रखी है, इस बॉल को फोड़ दूँ क्या? लेकिन बॉल फूटेगी नहीं, देखना भाई तुम लोग, कुछ तो हो ही जाएगा। रुक जाओ अभी टक्कर मारता हूँ इस बॉल में। हेलो बॉल वाले भाई साहब, कैसे हो आप? ओए वो बॉल सीरियसली में गिरा दी मैंने। ओ, ये बॉल तो गिरती चली जा रही है। अरे ओए बैरिकेड तोड़ के बॉल तो गई भाई नीचे पूरी। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को हल्की बाइक बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाइक तगड़ी है भाई, कुछ भी कहो।